इन्फ्लुएंसर के बाद आप कैसे सक्सेसफुल फिल्म स्टार बनने वाले हैं, कितना ज्यादा एक्साइटेड इस प्रोजेक्ट को लेकर और जितनी भी टीम है उसके अंदर? इतना खुश हूं मैं आप लोगों में सक्सेसफुल बनने वाला ऐसा मैं आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि जो इस कैमरे के पीछे है, जो आज जो जनता हमें देख रही है, उसे रत्ती भर भी पता नहीं है कि इस फिल्म को बनने के पीछे हमने कितनी मेहनत की है। कहीं बॉलीवुड में हर साल 2500 फिल्में बनती हैं, 60-70 रिलीज हो पाती हैं, और हम तो यहीं जीत गए हमारी टीम इश्क पश्मीना की हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। तो उसके लिए हमारे सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रोड्यूसर साहब को कि थैंक यू हम रिलीज कर पा रहे हैं सर इस फिल्म को, ये बहुत बड़ी बात है। सर आपको ये पता नहीं है, हम दोनों फिल्में शूट कर चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन रिलीज नहीं हुई वो फिल्म। तो बनाना हर कोई बना सकता है फिल्म, हर कोई। ये बात क्या करके इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि यही अभी कई बाइट्स में हम लोगों ने कहा भी है कि जब सबका साथ होता है तो और सबका विश्वास होता है तो उस काम को करने में बहुत एनर्जी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो फार कि आप लोगों ने मेरा शुरू से अभी तक सपोर्ट किया, और आपके सपोर्ट से और हमारे अरविंद सर डायरेक्टर जी के सपोर्ट से, हमारे ऑल टीम के सपोर्ट से ये एक अच्छी मूवी हम लोगों ने बना करके मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि जो जितने भी ऑडियंस देखेंगे कोई एकदम। हाँ, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस मूवी में आज 5 साल के अंदर ऐसा रोमांटिक मूवी लव स्टोरी अभी तक नहीं आई है मार्केट में, ये मैं गारंटी लेता हूँ, जो कि सारे ऑडियंस को एक दिल को छू करके ऐसे निकली। हमने बॉलीवुड में हमेशा अलग अलग रोमांस को देखा है, अलग अलग फॉर्म में, कॉलेज रोमांस देखा है, मैरिड लाइफ रोमांस देखा है, साइको रोमांस देखा है, लेकिन हमारे अरविंद सर ने ऐसा रोमांस दिखा है, ऐसा प्योर रोमांस हमने अभी तक देखा है। और इसके नाम से पता है इश्क पश्मीना, तो इश्क मतलब सभी को पता है प्यार लव मोहब्बत, लेकिन पश्मीना जो है वो इसकी प्योरिटी है, इश्क की जो प्योरिटी है वो इस फिल्म में आपको दिखेगी, यानी प्योर लव जो कभी खत्म नहीं होता, कभी टूटता नहीं, कभी हारता नहीं। और प्यार जो है सिर्फ पालने का नाम नहीं है, हमारी इस फिल्म का डायलॉग है कि प्यार खो जाने का नाम है। क्या तो ये फिल्म जो है आपको दर्शकों को अपने आप में खो देने, ऑडियंस आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा खो जाने का मतलब, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं खो जाते हैं, ऐसे खोते एक दूसरे के प्यार में कि बस पूछो नहीं, वो ऐसा प्यार कि वो जिंदगी भर खोते रहते एक दूसरे में और एक दूसरे में बसते रहते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाते हैं। आपने भी अनिल शर्मा से डायरेक्टर के साथ काम किया है, काफी शॉर्ट फिल्म्स की हैं, कभी कुछ एक्सप्लोर किया है कि ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली क्या कहना चाहेंगे, ये कितना आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा ऐसा कैरेक्टर? आई थिंक काफी चैलेंजिंग था ये रोल करना, ज्यादा मैं बता नहीं सकती इस कैरेक्टर के बारे में क्योंकि मैंने बता दिया तो स्टोरी बता दूंगी, इवन ट्रेलर में भी मेरा क्या रोल है पता नहीं चल रहा है, बट ये ऐसा कैरेक्टर था इसमें बहुत ऑब्वियसली स्टडी करना पड़ा, और इसमें ना जो लड़की है वो पोइट्री करती है, रॉयल जेंटल लड़की नहीं हो सकती है, तो बहुत चैलेंजिंग था, एंड मेरा ही नहीं दोनों इसका भी कैरेक्टर बहुत ही इंटेंस है, तो इंटेंसिटी में जाने के लिए, उसको निभाने के लिए और शिद्दत से प्यार दिखाने के लिए या मेहनत तो बहुत लगी, एंड आई होप आई जस्टिफाइड माय कैरेक्टर। या श्योर अगर भाई इन्फ्लुएंसर जो मीडिया में बहुत बड़ा हो चुका है और काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अब मान ले आप फैजू की बात करें, जन्नत की, रियलिटी शो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब एक्टिंग की बात आती है तो एक डिबेट होता है कि क्या इन्फ्लुएंसर अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट बन सकते हैं, वो बताइए। ये जवाब मैं दूंगा सॉरी, एक्चुअल में एक्टिंग एक ऐसी कला होती है वो किसी के अंदर भी आ सकती है, और इस चीज़ को इस मूवी में मैंने साबित किया है कि नॉट फॉर इन्फ्लुएंसर, एक इन्फ्लुएंसर किस तरीके से एक्टर बनता है वो इस मूवी में देख के जनता खुद बताएगी, और जो इन्होंने एक्टिंग करी है कि उसके लिए मैं खुद कायल हूँ इनके लिए। हम लोग का टास्क था, हमारे अरविंद सर ने भी कहा और हम लोगों ने कहा यार क्या ऐसा तो नहीं कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, फिर कहे नहीं यार एक काम करते हैं, डिसीजन जो भी ले लिया ठीक है करके देखते हो, करने के बाद में इन लोगों ने खुद साबित कर दिया इन दोनों ने कि नहीं हम वो भी कर सकते हैं जो लोग सोच नहीं सकते, इन्होंने बेटर 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 इन्होंने एक्टिंग किया। आई थिंक एक आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, जब एक आर्टिस्ट पैदा होता है, बच्चा भी देखो हर कोई एक्टिंग कर सकता है यार, निकलवाने वाले का काम बड़ा होता है। एक अगर भी सर नहीं अगर हाँ इन्फ्लुएंसर, चलो मैं तो 9 साल से लगा पड़ा हूँ इस चीज के लिए, मेहनत है, मैं पहले एक्टर हूँ, पहले एक्टिंग करते थे, फिर फिल्म की दीदे प्यार देखी, उसमें बड़ी फिल्म में एक बहुत छोटा नहीं बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया, पहली बार एज अ मेन लीड हूँ, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ मेरे मेकर्स का कि मुझ पर इतना भरोसा किया इन्होंने। जब ऐसी सोच रखते हैं लोग कि इन्हें इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिंग वाला काम नहीं देना चाहिए, इन्होंने ऐसी सोच रखी कि नहीं
देते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट तो है ना वीरेंद्र जिंदा, भले इन्फ्लुएंसर हो तो क्या हुआ, बचपन से मैं सिनेमा का नाम पे बहुत क्रेजी हूँ, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके अंदर एक सच्चा आर्टिस्ट बसता है और उनको काम मिलना चाहिए। स्पेशली मैं आपको बताऊँ ब्रदर, हुआ क्या था कि जब हम क्लियर कट में बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग ईशान खट्टर को इस मूवी में रखना चाह रहे थे, लेकिन नए होने के कारण, जैसे हम हुए, अरविंद सर हुए, और हम लोग, हमारी पूरी टीम एक हिसाब से लीड में हम लोग नए हैं, हम लोग नए होने के कारण हम लोगों को कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई पाप कर रहे हैं। तो लास्ट में जब इनको हमने इसे साइन कराने की कोशिश किया, तो कास्टिंग डायरेक्टर मिथुन पटेल जी ने इनका रेफरेंस लेकर के आए, तो सबसे पहले हमारी वाइफ ने कहा एक काम करो, जो कि हमारे प्रोडक्शन की पार्टनर भी हैं और मेरी लाइफ पार्टनर भी हैं, सालू मिश्रा नाम है उनका, उन्होंने कहा नहीं भाविन इज गुड, एक काम करो, भरोसा करो, ये अच्छा करके दिखाएगा। हमने कहा गुड, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो यार फिर मेरा तो बात ही छोड़ो, क्योंकि एक आदमी को आगे बढ़ाने के लिए वाइफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उन्होंने सपोर्ट किया मेरा, और फाइनली इनको फाइनल किया गया। लेकिन जैसे इनको हमने फाइनल किया था, वैसे इन्होंने करके दिखाया भी, नो डाउट कि -5 डिग्री में शूट हो रहा था ब्रदर, और कभी भी अगर 8 बजे मॉर्निंग से कॉल टाइम होती थी तो रात को 1 भी बज जाए थे, ये लोग ये नहीं कहते थे कि हम नहीं करेंगे, कोई नखड़े इन्होंने नहीं दिखाया, और दिल लगा के इन्होंने मेहनत की, इसलिए हम इनके लिए बार बार थैंक्स 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 बोलूंगा। बींग एन आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग की डिग्री ली आपने, क्या कहना चाहेंगे, जब ग्लैमर इंडस्ट्री का सपना होता है तो बहुत लोग पढ़ाई नेग्लेक्ट करते हैं, तो उस बारे में बताइए कितना जरूरी है एडुकेट होना, अपने आप को एक वेल एस्टैब्लिश करना बिफोर यू नो पर्सनल। जब मैं आई तो ऑब्वियसली मैंने अपना बीटेक खत्म किया था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक प्लस पॉइंट भी और एक माइनस पॉइंट भी इस चीज का। सो व्हेन आई केम आई वाज स्ट्रांग एनफ कि अगर यू नो इट डजंट वर्क आउट हियर तो मैं कुछ और काम कर सकती हूँ, तो काफी मैच्योर थी, लोगों की बातों में नहीं आती थी, यू नो द स्ट्रगल ऑफ न्यू कमर्स। माइनस पॉइंट ये था कि मैं 23 की हो चुकी थी, और जो मैं पढ़ाई करके आई हूँ और जो मैं काम कर रही हूँ उसका कोई रिलेशन नहीं था। सो मुझे वापस से पढ़ाई करनी पड़ी, एक्टिंग स्कूल में जाना पड़ा, फिल्म मेकिंग सीखना पड़ा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई आपका कोई यू नो सपोर्ट नहीं है इंडस्ट्री का, सो आपको तो पढ़ाई करके ही आना चाहिए, अदरवाइज इट इज अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री। और सेकंडली ये भी जानना चाहूंगा कि आपके ब्रदर इंडिया को प्रोड कर चुके हैं स्पोर्ट्स में, और आज के दौर में काफी सारी लड़कियां स्पोर्ट्स में भी भाग लेती हैं और कंट्री को प्रोड करती हैं, स्पोर्ट्स में कभी कोई इंटरेस्ट हुआ कि नहीं आपको, और कभी पार्टिसिपेट किया कि नहीं? आई प्लेड नेशनल्स इन शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 100-200 मीटर, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। सो आई प्लेड स्पोर्ट्स, नॉट स्पोर्ट्स यू कैन से एथलीट। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है बहुत इमोशनल, बहुत ही मतलब सेंटिमेंटल, क्या बेसिकली क्या है प्रोजेक्ट ये? इसलिए मैं इसको बार बार कहता हूँ, ये पोएट्रिकल पेंटिंग है। okay. ये फिल्म जो है एक पोएट्रिकल पेंटिंग है, एक कविता लिखी गई है कलर्स के साथ, जिसमें बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा डेडिकेशन है, बहुत सारा डूब के जाने वाली बात है। तो जो बर्फ के साथ जो रियल स्नोफॉल में शूट हुई फिल्म है, कुदरत ने हमें पूरा साथ दिया है, और कहते नहीं जब आपकी शिद्दत होती है तो कुदरत भी आपको सपोर्ट करती है, तो वैसा ही सपोर्ट हमारा इस फिल्म को कुदरत ने किया है। अब ये दर्शकों के बीच में आपने एक सवाल किया था कि इन दोनों का एक्टिंग में कैसा कैरेक्टर प्ले करने पे क्या चैलेंज आया, तो हमने क्या किया, पहले वर्कशॉप करी 7 दिन की, जिसमें इन्होंने कैरेक्टर को समझा, कैरेक्टर के जो नीड्स थी उसको समझा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसका जो इंटरनल इंटीरियर अपीयरेंस था उसको समझा, और पूरी शिद्दत से उन्होंने कैरेक्टर को न केवल समझा बल्कि लोकेशन पे पूरा कंट्रीब्यूट किया। अगर हमने कहा कि आपको इस तरह से करना है, ऐसे बॉडी लैंग्वेज बनाना है, तो उन्होंने उसको समझा, और ये समझ होना बड़ी बात है, एक्टर होना बड़ी बात नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्पार्क है और डायरेक्टर या टीम अच्छी है तो आपसे वो निकलवा लेती है, क्योंकि मुझे मेरा करेक्टर चाहिए, मुझे भाविन नहीं चाहिए बल्कि जो इस करेक्टर में प्ले कर रहा है वो करेक्टर चाहिए, और वो करेक्टर तभी होगा जब आप उसमें डूबेंगे, जब आप उस करेक्टर को समझेंगे कि वो क्या चाह रहा है, क्योंकि आप जो है वो 20-22 साल से होते हैं, करेक्टर आपके लिए 6 महीने 2 महीने 1 महीने में आता है, तो मजा तब है कि जब आप उस करेक्टर को समझ पाए, समझने के लिए आपको उसके एक्सटीरियर, उसके इंटीरियर पार्ट्स को स्टडी करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिल्म मेकिंग जो है वो मजाक का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत ही सीरियस, बहुत ही पैशनेट बिजनेस है, जिसमें वही आ सकता है जो सीरियस होगा, जो डिवोटेड होगा। अगर आप मजाक के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है, इसमें डूबना पड़ेगा। राशि खान, ये जानना चाहूंगा कि फॉलोअर्स की बात होती है हमेशा कि इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स, उसके बेसिस पे कास्टिंग होती है, बहुत लोग इसको लॉजिकल भी समझते हैं, बहुत लोग इलॉजिकल भी समझते हैं, आपका क्या नजरिया इस चीज को लेकर? मैं तो देखो, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं तो प्योर एक्टर था, प्राइवेट अकाउंट रखने वाला एक 250 फॉलोअर्स के साथ प्राइवेट अकाउंट रखने वाला एक लड़का था। पता नहीं कौन लाया ये इंडस्ट्री में, कौन लाया कि कास्टिंग डायरेक्टर्स आपके इंस्टाग्राम की लिंक मांगने लगे,
और ऐसे में मेरे जैसा आर्टिस्ट क्या बताता कि 250 फॉलोअर्स है मेरे पास, और मैं देखता था जिसका ऑडिशन मैं मीरा रोड से लटक लटक के ट्रेन में जाके, अगर आप विरार लोकल में कभी बैठे हो तो आपको समझ पाओगे मेरा दर्द, लटक लटक के अंधेरी जाके ऑडिशन देना, उस पर भी अंधेरी में स्टेशन पर उतर के पैदल चल के जाना, सारे ऑडिशन देना, ऐसे के बाद जब एक इन्फ्लुएंसर जिसके सिर्फ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और टैलेंट में, ये तो मैं डंकी की चोट पे कहता हूँ, जो हमारे बराबरी नहीं कर सकता एक्टर्स की, ऐसे लोगों को जब काम मिलता था ना तब बहुत बुरा लगता था, और तब मैं, और मेरे को काम करना था, तो मैंने कहा अगर ऐसे काम मिलेगा तो ऐसे ही सही, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा लेकिन मुझे काम करना है, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और लोगों का बहुत प्यार मिला, और उसी प्यार की वजह से अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझे क्यों काम दे रहे हो, लेकिन ये याद रखना कि आप एज एन एक्टर काम दे रहे हो मुझे। बहुत ही जल्द इस फिल्म आने के बाद ही एक नेटफ्लिक्स पे शो आ रहा है मेरा सोशल करेंसी, और बहुत जल्द गुजरात भी डेब्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ शूट कर रहा हूँ उस फिल्म की गुजरात फर्स्ट। इसके बाद आई विल बी बिजी प्रमोटिंग अ सॉन्ग एंड देन देयर इज अ मूवी आई फिनिश शूटिंग बिफोर दिस मूवी, वो अब रिलीज होगी, सो इट्स कॉल्ड वॉकिंग टॉकिंग स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, सो आई थिंक वो जल्दी एक दो महीने में रिलीज हो जाएगी, एंड देन इसके बाद और एक प्रोजेक्ट है जो साइन किया है।